तो दोस्तों, अगर आप एक नए YouTube क्रिएटर हो तो आज की इस वीडियो को काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने वीडियो में कीवर्ड कहां से फाइंड कर सकते हो, यानी कि टॉप 10 कीवर्ड जो है आपको फाइंड करके कहां से आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। देखिए, सबसे पहली बात को अगर आप अपने वीडियो में जब कीवर्ड को सही तरीके से यूज करते हो, यानी कि कीवर्ड आप सही लगाते हो, तो आपके वीडियो पर 50% व्यूज जो है कीवर्ड से आता है। ओके, सिंपल सा बात है कि जब आप अपने वीडियो में अच्छे से कीवर्ड यूज करोगे तो आपका जो वीडियो है लोगों को सजेशन में पहुंचेगा और वहां से आपके वीडियो व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि अपने वीडियो में कीवर्ड को अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनके वीडियो रैंक नहीं करती है और उसके बाद उनके वीडियो में व्यूज नहीं आता है। तो अगर आप एक नए यूट्यूब क्रिएटर हो और आप भी इस गलतियाँ को बार बार करते हैं तो आपके वीडियो जो है काफ़ी वायरल नहीं होती है और जिसके कारण आपके वीडियो व्यूज नहीं आता है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा लाइव प्रूफ दिखाना चाहूँगा। तो अभी आप लोग इधर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिस पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि 169 व्यूज आ चुके हैं, यानी कि अभी तक का जो व्यूज है 169 आ चुका है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस वीडियो को मैं आपको एक बार एनालिटिक्स दिखाना चाहूँगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, इस पर जितना भी व्यूज आया है उसमें से 70% जो व्यूज है यहाँ पर यूट्यूब सर्च टर्म से आया है, यानी कि यूट्यूब पर सर्च करके देखा जाता है। सिंपल सा तरीका है कि आखिर आपका जो वीडियो है सर्च में कब देखा जाएगा, जब आपके वीडियो को कीवर्ड आपके लिए सही होगा, यानी कि जब आप अपने वीडियो में कीवर्ड को सही से यूज करोगे तो आपके वीडियो जो है सजेशन में लोगों के पास पहुंचेगा। यानी कोई भी बंदा जब सर्च करेगा इस टाइटल को तो आपकी वीडियो ऊपर आए या ना आए उसके सजेशन में पक्का जाएगा, अगर आप कीवर्ड को सही तरीके से यूज किए रहते हो। तो आज की वीडियो हम आपको भी यही बताने वाले हैं कि आप लोग अपने वीडियो के लिए कीवर्ड कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि टॉप 10 कीवर्ड जो होता है, #1 में जो कीवर्ड चलता है टॉप रैंकिंग में, आखिर आप कीवर्ड कहां से फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम आपको यहीं के बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ में मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। चलिए मैं सीधा चलता हूं अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर और आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सीधा अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर। सो दोस्तों, सिंपली आपको करना क्या है, आपके पास जो भी गूगल ब्राउजर हो या क्रोम ब्राउजर उसको ओपन कर लेना है। तो मेरे पास देखते हैं गूगल है, गूगल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है, सिंपली आपके पास देखिए आपको टाइप करना है एच सुपर टूल। देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टाइप करके रखा है, तो यहाँ पर इसको टाइप कर लेना है एच सुपर टूल। जैसे ही आप सर्च करिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने क्या होगा, इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको करना क्या है, जैसे ही आपका इंटरफेस इस प्रकार का ओपन होगा तो देखिए नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा आपको यूट्यूब कीवर्ड टूल, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से अब आपको करना क्या है, देखिए आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलता है इंटर ये कीवर्ड, यहाँ पर जो आपका जो भी वीडियो का टाइटल है यहाँ पर सर्च करना है। देखिए मेरा जो भी वीडियो का टाइटल है मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो मान लीजिए कि मेरा जो वीडियो का टाइटल है चैनल को ग्रो कैसे करें, तो मैं यहाँ पर चैनल को ग्रो कैसे करें यहाँ पर टाइप कर ले रहा हूँ, चैनल को ग्रो कैसे करें। देख सकते हैं मैंने टाइप कर लिया चैनल को ग्रो कैसे करें। इसके बाद यहाँ पर सर्च वाले आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा, देखिए आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। देखिए नीचे में जैसे ही मैं आता हूँ, देखिए यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पर ओपन हो गया। देख सकते हैं ये सारा का सारा जो भी कीवर्ड है बहुत सारा आपका ओपन हो गया, और ये जितना भी कीवर्ड है टॉप यानी कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो यही सारा आपका सामने कीवर्ड ओपन हो जाएगा। तो आपको जिसको आपको कॉपी करना है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इसको देख सकते हैं मैंने इस पर क्लिक कर लिया, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सारा का सारा कॉपी हो जाता है। कॉपी करने के बाद देखिए आपको कॉपी एज ए टैग ऑप्शन मिलेगा, आपको टैग के रूप में इसको कॉपी करना है तो टैग के रूप में कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं इसको सिर्फ सीधा लाइन में कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी करने के बाद जहाँ पर आप इसको टाइप कोड यूज करना चाहते हैं वहां पर इसको कॉपी करके आप पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। तो बस ये आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।